तो नमस्कार, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपके सामने आ गए हैं। मैच नंबर 28 की प्लेइंग 11 लेकर जो एसआरएच और पंजाब के बीच होने वाला है, मैच धुआंधार होगा क्योंकि एसआरएच अब जीत की पटरी पर लौट चुकी है। तो पंजाब भी शानदार परफॉर्मेंस अभी तक कर रही है। अगर पंजाब की हमने एसआरएच की प्लेइंग 11 आपको बता दिया, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पंजाब की बताऊंगा, पंजाब 5 मैच खेले हैं, 3 जीती है, 2 अभी तक हारी है, छठे मतलब 6 पॉइंट है, तीसरे पायदान पर है और प्लस में रन रेट है 0.239। ये प्लस में रन रेट है पंजाब के हिसाब से, बेहतर आगे बेहतर बढ़ती जा रही है पंजाब। लेकिन बात अगर प्लेइंग 11 की करूं, देखिए पिछले मुकाबले में खेल रहे थे मयंक अग्रवाल, धवन, बैरिस्टो, लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, शाहरुख खान, ओडेन स्मिथ, रबाड़ा, राहुल चहर, उसके बाद में वैभव अरोड़ा और अर्शदीप सिंह। ये पिछले मैच की टीम थी। देखिए अब क्या होगा, क्या बैटिंग ऑर्डर में हो सकता है, किन खिलाड़ियों पर सवाल है, उन पर इस प्लेइंग 11 में मैं चर्चा करूंगा। ध्यान से सुनना। देखिए सबसे पहले मयंक अग्रवाल, बिल्कुल देखिए इस टीम के कप्तान हैं। थोड़ा सा कप्तानी के तौर पर उस तरीके से नहीं खेल पा रहे, जिस तरीके से देखिए कप्तानी के तौर पर आपने देखा होगा हार्दिक पांड्या बेहतर कर रहे हैं, कप्तानी के तौर पर बेहतर तरीके से आपको नज़र आ रहे हैं लखनऊ के कप्तान केएल राहुल, शतक भी लगाया है। उसी तरीके से मयंक अग्रवाल को भी, भैया केएल राहुल ने शतक लगा दिया, पिछली बार के पार्टनर थे आपके, तो अब तो मयंक अग्रवाल को भी लगा देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा लो प्रदर्शन है कप्तानी के हिसाब से, बेहतर करने की ज़रूरत है मयंक अग्रवाल को। शिखर धवन की तो खैर बात ही क्या है, बड़े बल्लेबाज हैं, टिक्कर खेलने के लिए जाने जाते हैं, एक छोर संभाल कर रखते हैं। तो शिखर धवन तो शानदार है, बेहतर परफॉर्मेंस शिखर धवन की हर साल की तरह इस बार भी शुरुआत से है। बैरिस्टो, देखिए बैरिस्टो को बड़े भरोसे के साथ बैरिस्टो को इस बार लिया है, उस तरीके का प्रदर्शन अभी तक नहीं देखा है इनके बल्ले से। एक धुआंधार पानी की उम्मीद मैं इनके बल्ले से रखता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद पंजाब को बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। मेरे हिसाब से बैरिस्टो को आप ओपनिंग में ले आइए, मयंक अग्रवाल को आप नंबर 3 पर ला सकते हैं वन डाउन, मेरे हिसाब से बेहतर होगा क्योंकि बैरिस्टो ओपनर है, नई गेंद खेलने के लिए आदि है। निचले डाउन पर बैरिस्टो नहीं खेल पाते हैं उतना बेहतर, जब क्योंकि निचले डाउन पर स्पिनर्स आ जाते हैं, वहां पर पिच उस मदद करने लगते हैं गेंदबाजों को, तो वहां पर फंसते हैं बैरिस्टो, स्पिनर्स के सामने फंस जाते हैं। तो यहां पर मैं चाहता हूं कि नई गेंद से बैरिस्टो को मौका दीजिए, पंजाब के लिए बेहतर होगा क्योंकि मयंक अग्रवाल इंडियन पिचों के मुफीद है, इंडियन पिचों पर मयंक अग्रवाल बेहतर खेलते हैं, स्पिनर्स को बेहतर खेलते हैं, इसलिए नंबर 3 पर मयंक अग्रवाल बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा चेंजेस हो। लिविंगस्टन, देखिए यहां पर नंबर 4 पर लिविंगस्टन को खिलाया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां भी बदलाव हो, यहां भी बदलाव हो। वो क्यों हो, क्योंकि जितेश जो है ना, जो यहाँ पर खेल रहे हैं जितेश शर्मा, वो बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं और लिविंगस्टन देखिए अच्छे फिनिशर हैं, लिविंगस्टन एक बहुत अच्छे फिनिशर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जितेश ऊपर आ जाए, लिविंगस्टन 5वें नंबर आ जाए, जितेश ऊपर चले जाए, क्योंकि लिविंगस्टन जब नीचे आएंगे तो एक बेहतर फिनिशर का रोल अदा कर सकते, जितेश ऊपरी क्रम पर खेल कर बेहतर कर सकते क्योंकि रन लगातार बना रहे हैं, हर मैच में जितेश रन बना रहे हैं, बल्ले पर गेंद अच्छी आ रही है। तो मेरे हिसाब से लिविंगस्टन की केवल एक पारी को अगर छोड़ दे तो उतनी बड़ी पारियाँ नहीं निकल रही हैं, जबकि जितेश शर्मा मैच में बढ़िया कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जितेश को ऊपर ला देना चाहिए और लिविंगस्टन को नंबर 5 पर लिया है तो बेहतर होगा। शाहरुख खान पिछले मैच में खेले थे, देखिए शाहरुख खान खिलाड़ी बड़े हैं, एक दो इनिंग को छोटी छोटी को अगर छोड़ दे तो शाहरुख खान के बल्ले से भी वो इनिंग नहीं निकल रही है जिस तरीके के बल्लेबाज की इसकी इसका नाम है, जिस तरीके की पहचान है। तो मैं चाहता हूं कि शाहरुख खान थोड़ा सा अपना और इंप्रूवमेंट करें, बेहतर होगा पंजाब के लिए अगर शाहरुख खान का बल्ला चलेगा। ओडेन स्मिथ, ओडेन स्मिथ के बहुत चर्चे थे आईपीएल 2022 का, जब मेगा ऑक्शन हो रहा था तब ओडेन स्मिथ के बड़े चर्चे हो रहे थे कि मेरे भाई ये खिलाड़ी आएगा, धमाल मचाएगा, बहुत कुछ करेगा, छक्के लगाएगा, चौके लगाएगा, कुछ नहीं हो रहा है मेरे भाई, आप फिर से निकल गए आते ही एक मैच में चले, एक मैच के बाद ये जो बड़ा पटाखा था ना, बड़ा बम था, वो फुस निकल गया और कुछ ना बल्लेबाजी में कर पा रहा है ना गेंदबाजी में कर पा रहा है, मामला गड़बड़ होता जा रहा है दोनों तरफ से। तो मेरे हिसाब से ओडेन स्मिथ भाई साहब को थोड़ा सोचना चाहिए कि भैया आप बहुत हंसमुख खिलाड़ी हैं वैसे तो, लेकिन हंसने से काम नहीं चलेगा, प्रदर्शन करने से काम चलेगा। उसके बाद में रबाड़ा, देखिए रबाड़ा तो सबका कबाड़ा कर रहे हैं वास्तव में, जब से आए हैं वापसी मतलब आईपीएल 2022 में जब से खेलने के लिए आए, विकेट चटका रहे हैं, पंजाब के लिए एक छोर संभाल कर गेंदबाजी का इन्होंने रखा हुआ है, तो बेहतर गेंदबाजी रबाड़ा से मुझे इतनी उम्मीद थी, और बेहतर कर सकते हैं तो करिए, बेहतर है। राहुल चहर मेरे भाई, पंजाब में जब से आए हैं, मतलब मुंबई में भी बेहतर किया था और मुंबई से जब पंजाब में आए तो भाई साहब कमाल की गेंदबाजी यार, इस गेंदबाज से तो जितना आप इंस्पिरेशन ले सकें उतने ले सकते हैं, बहुत शानदार गेंदबाजी राहुल चहर भी कर रहे हैं पंजाब के लिए आईपीएल 2022 में, शानदार। वैभव अरोड़ा, देखिए
नौजवान खिलाड़ी है। मैं चाहता हूँ कि इस खिलाड़ी को और थोड़े से मौके मिलने चाहिए। अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, ऐसी बात नहीं, मैं इस गेंदबाज की गेंदबाजी पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ। अच्छी गेंदबाजी सीनियर्स के साथ कर रहा है वैभव अरोड़ा, तो मैं चाहता हूँ कि इस गेंदबाज को और मौके दें, बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इस गेंदबाज के अंदर वो कला है, गेंद को लहराने की कला है इस गेंदबाज के अंदर शुरुआत के ओवर्स में, तो बहुत बेहतर साइन है पंजाब के लिए, एक अच्छा एसेट साबित हो सकते हैं वैभव अरोड़ा। उसके बाद में अर्शदीप सिंह, तो खैर मेरे भाई अर्शदीप सिंह जिस वक्त पंजाब ने अर्शदीप सिंह को रिटेन किया था तो मुझे बड़ी अच्छा लगा, क्योंकि अर्शदीप सिंह के पास वो काबिलियत है, शुरुआत में विकेट लेने की काबिलियत है, अच्छी गेंद को लहराने की काबिलियत है, अच्छी गेंदबाजी है अर्शदीप सिंह की, तो टीम बेहतर है। मैं चाहता हूँ कि टीम में बदलाव तो कुछ ना हो, लेकिन कुछ उलट फेर हो, आगे पीछे कर दिए जाएँ। मयंक को मैं चाहता हूँ नंबर 3 पर, बैरिस्टो को मैं चाहता हूँ ओपनर, क्योंकि ओपनर के तौर पर मेरे हिसाब से बैरिस्टो बेहतर साबित हो सकते हैं। उधर से मैं जितेश को ऊपर चाहता हूँ, लिविंगस्टन को नीचे चाहता हूँ, और ओडेन स्मिथ साहब से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, भैया आपको बड़ी उम्मीदों के साथ पंजाब ने लिया था कि आएंगे चौके छक्के लगाएंगे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं पहले मैच के अलावा, तो इसीलिए मैं ओडेन स्मिथ से चाहता हूं कि बेहतर प्रदर्शन करें, अच्छी गेंदबाजी करें। पिटते बहुत हैं, एक मैच तो अपने दम पर ही हरवा दिया जब राहुल तेवतिया से 2 छक्के लगवा दिए थे, तो इसीलिए मैच जिता कम रहे हैं हरवा ज्यादा रहे हैं, तो इसीलिए ओडेन स्मिथ से मैं चाहता हूं कि बेहतर प्रदर्शन करें और अपनी टीम की जीत में अहम योगदान दें। तो ये जो बदलाव है मेरे, जो मैं चाहता हूं कि बैरिस्टो को ऊपर और मयंक को नीचे, ये बदलाव आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर जरूर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और बेल आइकन को प्रेस इसलिए क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी।